तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर अगले यूनिट को, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन आपको यूज किए जाएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड, आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है आपका बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि लेट एस बी अ सेट, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एस इज मैपिंग स्टार एस इनटू एस बिलोंग्स टू एस। यानी जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेड किया जाएगा, विच वी विल यूजुअली डिनोटेड एज ए इनटू ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इनटू बी। यानी इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। बेसिकली ये थ्योरी पार्ट है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिए वीडियो में। यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि बाइनरी सिंप्लीफाई इंडिकेट दैट द ऑपरेशन टेक्स इनटू टू एलिमेंट ऑफ एस एंड स्प्लिट आउट अ न्यू एलिमेंट। यानी जो बाइनरी होता है वो क्या करता है, दो एलिमेंट को स्प्लिट करता है न्यू एलिमेंट में। एंड ऑल्सो यू हैव रिटन एज स्टार, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का ये सिंबल है, एज अ फंक्शन फ्रॉम एस टू एस, यानी एस क्रॉस एस टू एस, विच मीन्स टू थिंग्स इन अ पार्टिकुलर, जिसमें पहला थिंग ये है कि द ऑपरेशन स्टार विल वेल डिफाइंड। यानी जब क्या हो, ये आपका वेल डिफाइंड हो, तो उसमें क्या होगा, गिवन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, देयर इज एग्जैक्टली वन एस वन सी बिलोंग्स टू एस। यानी कि कम से कम उसमें क्या होगा, एक जो सी होगा वो आपका जो स्पेस दिया रहेगा उसमें बिलोंग्स करेगा, एंड सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। एंड इन अदर वर्ड, द ऑपरेशन इज डिफाइंड फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर एंड देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन द मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। यानी ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। सेकेंड आपका है कि एस इज क्लोज अंडर स्टार, जब आपका एस स्टार के अंदर यानी मल्टीप्लाई के अंदर क्लोज होगा, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस एंड ए इन टू बी इज अगेन इन एस, दिस टेल अस टू थिंग्स दैट वी नीड टू कीप एन आई आउट ऑफ व्हेन चेकिंग दैट समथिंग इज अ बाइनरी ऑपरेशन विद द माइंड। लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल, यानी कुछ एग्जाम्पल हैं और कुछ नॉन एग्जाम्पल हैं जो आपके बाइनरी ऑपरेशन के लिए हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें कह रहा है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेड ऑन जेड आर बाइनरी ऑपरेशन एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन जेड एन आर द बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे कुछ नॉन एग्जांपल आपके दिए हुए हैं, इसमें कह रहा है कि स्टार ऑन आर बाई ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन सिंस इट इज नॉट डिफाइंड एवरीवेयर इन अ पार्टिकुलर एंड ए इंटू बी इज अनडिफाइंड व्हेनेवर बी इज इक्वल टू जीरो। यानी ये क्या है, ये आपका डिफाइंड नहीं है। सेकेंड आपका है कि स्टार यानी क्रॉस ऑन आर बाई ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज अ सम नंबर लार्जेस्ट देन ए प्लस बी। यानी ए इंटू बी क्या है, यहाँ पे जो सी है वो कुछ लार्जेस्ट नंबर है जो ए प्लस बी से बड़ा होगा, देन इट इज नॉट वेल डिफाइंड सिंस इट इज नॉट क्लियर एग्जैक्टली व्हाट ए इंटू बी शुड बी। बेसिकली ये एग्जाम्पल है, आप इसको लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। अब यहाँ पे हम बारी बात आता है ग्रुप का, ग्रुप आखिर क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि नॉन एम्प्टी सेट ऑफ अ जी इज सेड टू फॉर्म अ ग्रुप, यानी जो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, और इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। देयर इज डिफाइंड अ बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ डॉट, यानी इसे हम क्या करते हैं, डॉट से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है नंबर वन में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, जो की ग्रुप को बिलोंग्स करता है, देन ए इंटू बी बिलोंग्स टू जी, जो की आपका क्लोजर एक्सियोम है। यहाँ पे ए बी और सी है जो बिलोंग्स करता है ग्रुप को, तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे, उसको ए इंटू बी ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए इंटू बी इंटू सी, जो कि आपका एसोसिएटिव, बेसिकली ये लॉ होते हैं। आप आगे क्लास में बढ़ते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। थर्ड है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इज इक्वल टू ए, यानी ये आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर है जो ए बिलोंग करेगा जी को, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ इसमें है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए माइनस बी ए माइनस वन बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इंटू ए माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू ई, जो कि आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होगा। उसका फ्रेंड आपका है एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप जी इज सेड टू बी एबिलियन और कम्यूटेटिव, यानी एबिलियन ग्रुप को हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। कब होगा, जब आपका जो ए होगा ए कॉमा बी होगा वो ग्रुप को बिलोंग्स करेगा और ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो, तब आपका एबिलियन ग्रुप होगा। फ्रेंड अब हमारा बारी आता है, हमारा मेन टॉपिक जो है आपका वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में कह रहा है कि लेट एफ कॉमा प्लस कॉमा डॉट बी एनी आर्बिट्री फील्ड हुज एलिमेंट विल बी कॉल्ड स्केलर एंड लेट वी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट विल बी कॉल्ड वेक्टर, देन द स्ट्रक्चर एफ
कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा वी प्लस डॉट और वी ऑफ एफ ऑफ इज कॉल्ड द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यानी बेसिकली ये थ्योरम है वो किस कंडीशन में आपका वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई करेगा उसमें कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आपको दी हुई है। पहला आपका कह रहा है वी प्लस वन इज एन एबिलियन ग्रुप, यानी आपका जो वी और प्लस वो एबिलियन ग्रुप हो। तो सबसे पहले आपका वी वन वन है क्लोजर लॉ के थ्रू, तो इसमें कह रहा है इफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू बी सच डेट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू बी एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी। क्लियर। सेकंड है आपका वी वन टू जो कि एसोसिएटिव लॉ है, इसमें कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू बी सच डेट अल्फा प्लस एंड ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बिलोंग्स टू वी एंड एग्जिस्टियन क्वांटिफायर जो कि आप अल्फा और बीटा और गामा है वो बिलोंग्स करेगा किसको आपके वी को। थर्ड है आपका वी वन थ्री जो कि आपका एग्जिस्टेंस ऑफ वेक्टर आइडेंटिटी है, इसमें कह रहा है एग्जिस्टियल क्वांटिफायर जो कि जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू बी सच डेट वेक्टर जीरो प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा एंड ये आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर बिलोंग्स करेगा किसको ए के अल्फा के वैल्यू को जो कि वी के अंदर बिलोंग करेगा। थर्ड आपका है फोर्थ वी वन फोर जो कि आपका एग्जिस्टेंस ऑफ वेक्टर इनवर्स है, इसमें कह रहा है कि फॉर इच एक अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड एग्जिस्टेंट क्वांटिफायर माइनस अल्फा बिलोंग्स टू वी सच डेट अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद आपका है कम्यूटेटिव लॉ इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी सच डेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। ये बेसिकली लॉ है आपके थ्योरेटिकल पार्ट है थ्योरेटिकल चैप्टर है तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है आप इसे कर लेंगे थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल साबित हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद इसमें कुछ सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ एफ इज क्लोज्ड अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें कह रहा है कि इफ ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी सच डेट ए डॉट अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड यूनिवर्स एक्सटेंशन क्वांटिफायर बिलोंग्स टू वी एंड ए बिलोंग्स टू एफ एंड थर्ड नंबर कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी देन अल्फा ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा प्लस ए इंटू बीटा। बेसिकली ये थ्योरेटिकल है आप इसको कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। क्लियर। फ्रेंड यहाँ पे कुछ नोट दे रहा है कह रहा है कि आर ऑफ सी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस विल सी ऑफ आर इज अ वेक्टर स्पेस। यानी जो आपका आर ऑफ सी है वो एक वेक्टर स्पेस नहीं है लेकिन सी ऑफ आर आपका क्या है एक वेक्टर स्पेस है बिकॉज रूट टू बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आई बिलोंग्स टू सी देन रूट सी आई रूट टू आई नॉट बिलोंग्स टू आर बट रूट टू आई बिलोंग्स टू सी। और उसके बाद आपका कह रहा है कि आर क्यू इज अ वेक्टर स्पेस विल क्यू आर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। यानी आर क्यू एक प्रकार का वेक्टर स्पेस है लेकिन क्यू आर आपका एक वेक्टर स्पेस नहीं है क्योंकि रूट टू बिलोंग्स करता है रियल नंबर को और दो बाई थ्री बिलोंग करता है आपको क्यू को जो कि आपका क्यू होता है। क्लियर। और उसके बाद कह रहा है टू रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री बिलोंग्स टू आर बट टू रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री नॉट बिलोंग्स टू क्यू। क्लियर। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे कह रहा है जीरो वन एंड वन जीरो बोथ आर द नॉट वेक्टर स्पेस बिकॉज आई इज नॉट आइडेंटिफाइड। उसके बाद आपका कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है जो कि वेक्टर में यूज किए जाते हैं ए डॉट जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो और जीरो डॉट अल्फा इज इक्वल टू जीरो, इसी तरह के प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं आप इनको लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो काफी हेल्पफुल होगा। कुछ प्रूफ्स हैं आपको जो जानने जरूरी है, एग्जामिनेशन में प्रूफ पूछता है, कह रहा है कि ए डॉट जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो इसे हमें प्रूफ करना है तो यहाँ पे जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई में जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू ए डॉट जीरो एंड यहाँ पे ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो इज इक्वल टू ए डॉट जीरो बाय द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ वी प्लस वी और प्लस के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट लॉ था उसके अकॉर्डिंग जो आपका है ये आपका प्रूफ हो जाता है। सेकेंड प्रूफ आपके सामने है जीरो डॉट अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लोगों ने प्रूफ किया है बाय द लॉ वी कॉमा प्लस के टर्म में और ये आपका प्रूफ हो चुका है। और इसी तरह आपका थर्ड नंबर प्रूफ भी है, थर्ड नंबर प्रूफ को भी आप कर सकते हैं बाय द एडिटिव इनवर्स ऑफ वी में और यहाँ पे भी आपका वो प्रूफ दिख रहा होगा। और ये आपका फोर्थ नंबर प्रूफ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्पफुल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है आपका फिफ्थ नंबर प्रूफ, इसमें कह रहा है ए इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा माइनस ए इंटू बीटा और इसको हमें क्या करना है इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ये आपका प्रूफ हो चुका है, यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि ए इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इंटू अल्फा ये फॉर्मूला होता है इसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आपका सॉल्व हुआ है, ये आपका सिक्स नंबर है, यहाँ तक पूरा कंप्लीट आप कर सकते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।